अपनी कृत्य को जो कि सचिन पायलट से कहीं ज्यादा हीनियस है। सचिन पायलट का गतिरोध सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री से था, लेकिन जो काम धारीवाल जी ने किया है वो धत्ता उन्होंने आंख दिखाने का काम हाईकमान को किया है। उनके भाषण कह रहे हैं और उस चीज़ को छुपाने के लिए अब कह रहे हैं कि जो होगा मंजूर है सोनिया गांधी होगा उसको छुपाना चाहते हैं, वो तो पब्लिक डोमेन में आ चुका है। इसलिए अजय माकन पे तोहमत लगा रहे हैं। कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुप हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? इस पे मैं कुछ नहीं कह सकती। मेरी मुलाकात सीएलपी वाले दिन उनसे हुई नहीं, वो वहीं थे, हम भी वहीं थे, पर मुझे लगता है वो इंटरवीन करेंगे। उनको बात करनी चाहिए क्योंकि उनके मंत्रिपरिषद के लोग हैं, एमएलए हैं, किस तरीके से डील करते हैं उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकती। बहुमत है अगर कुछ? बिल्कुल बहुमत है, बिल्कुल स्पष्ट बहुमत है। तो सचिन पायलट को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो आप साथ देंगे उनका? मैं आला कमान जिसको भी मुख्यमंत्री बनाएगी मैं उसके साथ। आला कमान ने तो सचिन पायलट के लिए भेजा था ऑब्जर्व। नहीं बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। आपको बताया किसी ने ये बात? सचिन कल शांति धारीवाल ने गद्दार कहा है उसको लेकर। मैं कहती हूँ सबसे बड़े गद्दार अगर आज की तारीख में कोई है तो पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर धारीवाल जी और महेश जोशी चीफ व्हिप हैं। वो दोनों अधिकृत मीटिंग को क्यों बाइकआउट करके बैठे थे? और शांति धारीवाल जी जोर जोर से भाषण दे रहे हैं हाथ पटक पटक के, हाईकमान कैसे नहीं मानेगा, ऐसे नहीं मानेगा। आप हाईकमान को आंख दिखा सकते हैं? इतने बड़े हो गए आप। लेकिन उन्होंने तो कहा है कि मीटिंग जो है वो ऐसे ही मीटिंग की जैसे रोजाना होती है, कोई पहले से प्लान मीटिंग नहीं। केसी वेणुगोपाल जी का ट्वीट है, रात को 2 बजे महेश जोशी जी ने हर विधायक को फोन किया है। क्यों फोन किया है, क्यों बुलाया? मुख्यमंत्री जी के यहाँ बकायदा पूरे टेंट लगते हैं, स्टेज लगा है, मुख्यमंत्री जी स्वयं ऑब्जर्वर्स को होटल लेकर सीएमआर आते हैं। क्यों आते हैं? अगर विधायक दल की मीटिंग नहीं थी तो वहाँ पे खाने की व्यवस्था होती है, हमने भी पकौड़े खाए वहाँ पर।